ईदगाह से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में साइकिल सवार समाजवादी मौजूद रहे। ताज नगरी आगरा में सपा की साइकिल रैली निकाली गई। जनेश्वर मिश्रा की जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी ने साइकिल रैली निकाली। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में सपा सड़कों पर उतरी। पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली पर नजर बनाए हुए थी। विगत कई दिन से समाजवादी पार्टी ने किया था प्रदर्शन। शहर अध्यक्ष वासिद निसार के नेतृत्व में बिजली घर से संजय पहले शहीद स्मारक तक साइकिल रैली निकाली गई। विनोद कुमार, आगरा, समाचार 24। आज हम लोग जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ साथ आगरा में भी साइकिल यात्रा का प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ने का काम हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ने का काम हुआ, किसानों का उत्पीड़न करने का काम हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, अराजकता का माहौल हो, विकास नाम की कोई चीज ना हो, नौजवान बेरोजगार हो, महंगाई चरम पे हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, दाल चावल चीनी कुछ भी हो, आम जनता जो है वो इन मारों को झेल रही है। कोरोना काल में भी जिस तरीके से जनता को ना दवाई मिली, ना इलाज मिला, ना हॉस्पिटल मिला, त्राही त्राही प्रदेश में मची हुई है। और ये भाजपा के लोग अपनी मस्ती में मस्त है, झूठे वादे करते हैं, झूठे बयान देते हैं, उसके खिलाफ आज नौजवान बुजुर्ग महिलाएं साइकिल चलाकर इसको जनता के बीच में ले जाकर जनता जनार्दन के बीच में रखने का काम आज समाजवादी लोग कर रहे हैं। ठीक है, निकाले किस मुद्दे पर, क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी छोटे लोहिया जी कहे जाने वाले आज पंडित जनेश्वर मिश्र जी की आज जयंती पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार आज यहाँ साइकिल यात्रा का पूरे प्रदेश में आयोजन किया गया है। आगरा में आज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी तादाद में आज साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जो भाजपा की तानाशाही नीति जिससे सब जनता आम जनमानस परेशान है उनके खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ और साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जो जनता के बीच मैसेज दिया जाएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे आप? आज यहाँ बिजलीगढ़ से शहीद स्मारक तक बनी जाएगी और समापन भी शहीद स्मारक पे किया जाएगा। दिल्ली में एक